दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सुभाष सिंह जानपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सी टेट ईवीएस का या सीआरटी पैटर्न का अपना हैंड रिटन नोट्स, उसको हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप देख ही रहे हैं, सबसे पहला लाइन जो लिखा है इसमें, चूहों के देखने की क्षमता कम होती है। क्या लिखा है? चूहों के देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। क्या? चूहों के देखने की क्षमता कम होती है, पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। नागपुर में दाल में चीनी डालते हैं। नागपुर में जब दाल बनाया जाता है तो वहां दाल में क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं। क्या? डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई जाती हैं, जिसे मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या? उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। सब हाईलाइट किया गया है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। उनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर लिखी जाती है। अगर ब्रेल लिख के बारे में जानकारी अगर आपको दें तो ब्रेल लिख जो है 6 नुकीली बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिख की खोज लुईस ब्रेल नामक व्यक्ति ने किया था, वो फ्रांस के निवासी थे। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कहवा जो है, ये जो जिसे चाय बोला जाता है, श्रीनगर में बादाम और इलायची के साथ लोग लेते हैं। डल लेक श्रीनगर में है। शिकार नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। डल लेक श्रीनगर में है और उस डल लेक में शिकार नामक नाव से लोग घूमते हैं। आगे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं, लिखा है कि हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। कहाँ? हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पक्षी कीड़ों को खाकर फल को कीड़ों से बचाते हैं, ये तो सभी को पता है। क्या लिखा है? कि पक्षी कीड़ों को खाकर फल को कीड़ों से बचाते हैं। बज्जू गांव राजस्थान में है। बज्जू गांव कहाँ है? राजस्थान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन कौन? ये वाली लाइन हांगकांग से। ये लिखा है कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। सांप कहाँ खाए जाते हैं? हांगकांग में खाए जाते हैं। उसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पका कर खाते हैं। अगर कश्मीर की बात करें तो यहाँ मछली जब बनाते हैं तो सरसों के तेल में बनाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में मछली बनाते हैं। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं, हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। सांप कहाँ खाए जाते हैं? हांगकांग में खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियां पकाकर खाई जाती हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं। अब टैपियोका के बारे में अगर जानकारी लें तो टैपियोका को उबाल कर खाते हैं। यह केरल में एक प्रकार का फल है। क्या? केरल में एक प्रकार का फल है टैपियोका, जिसे उबाल कर खाया जाता है। ठीक, गिद्ध मरे जानवर को खाता है। ठीक, हमिंगबर्ड की चोंच सुई जैसी होती है। एक पक्षी है जिसका नाम है हमिंगबर्ड, इसकी चोंच जो होती है सुई जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी। क्या? कबूतर की चोंच गुलाबी, पंख भूरा होता है। अब असम की बात करें, असम में घर कैसे बनाया जाता है इसकी अगर जानकारी हम लें, इसमें लिखा है कि असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। ये बांस से बने होते हैं, अंदर लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह क्या है? भारी वर्षा। तो मिला जुला अगर बात करें तो असम में भारी वर्षा होने के कारण जो घर बनाए जाते हैं वह जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? बांस से बनाए जाते हैं और अंदर जो है वहां भी लकड़ियां प्रयोग की जाती हैं। मनाली की बात करें तो मनाली में वर्षा ज्यादा होती है और बर्फ भी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर घर जो है पत्थर व लकड़ी से बनाए जाते हैं। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मिट्टी के घर और छत झाड़ियों के बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। टैंक को टंका कहते हैं।
आंगन में गड्ढा बनाकर इसे पक्का करके टंका बनाते हैं। ठीक, जो छत बनाया जाता है वो ढालू होते हैं, बारिश का पानी गिरने के लिए जो छानकर पी लेते हैं। ये भी ठीक है, आगे चलते हैं। पेडागॉजी जानकारी आप जो है इसको रहने देते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। ABS जो एनसीईआरटी पैटर्न में पूरा पूर्ण रूप से आधारित है। इसमें लिखा है बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं। क्या? बांस से बने पुल असम में पाए जाते हैं। असम में वर्षा अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। क्या होता है? घुटनों तक पानी भर जाता है। लकड़ी से बना झूला, अगर ट्राली की बात करें तो यह लकड़ी से बना एक प्रकार का झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है तथा पुली की मदद से रस्सी पर सरकता रहता है। इसमें 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। क्या? ट्राली की बात करेगा तो यह लकड़ी से बना झूला है, यह लोहे की रस्सी पर लटकी लगी होती है तथा पुली की मदद से इस रस्सी पर यह सरकता रहता है। इस पे 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं। सीमेंट की पुल की अगर बात करें तो यह सीमेंट की पुल जो होती है ईंट से, लोहे से, सरिये से, इसे तमाम चीजें लगाकर बनाई जाती है। वल्लम की बात करें, केरल में नदी पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव है, तो वल्लम एक प्रकार की नाव है जिसका प्रयोग केरल में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नदी पार करने के लिए किया जाता है। ऊंट गाड़ी की अगर बात करें, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब बैलगाड़ी की अगर बात करें तो बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में किसी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, मैदानी इलाकों में किसी भी गांव में देखो तो लगभग इसका प्रयोग किया जाता था उस समय। जुगाड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा लगता है, उस सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। क्या? घने जंगलों में दिन में अंधेरा लगता है, उन सन्नाटों में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ठीक, तो ध्यान से चाहे जहां चलोगे ध्यान से चलना पड़ेगा। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताजी बर्फ में पैर धस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हो तो फिसल भी सकते हैं। ठीक, आगे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ है? उत्तराखंड में। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते उत्तराखंड में। पक्षियों के कान दिखते नहीं है। ठीक, पक्षियों के कान दिखते नहीं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर पक्षी की बात करें तो पक्षियों के कान दिखते नहीं है लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। नेक्स्ट, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। अगर छिपकली की बात करें तो छिपकली को भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। अगर मगरमच्छ की बात करें तो इनके कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देंगे। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। अगर जानवर की बात करें, चाहे जो जानवर हो, अगर उनके शरीर पर जो डिजाइन है उनके बाल के कारण होती है। अगर उनके पास नो हेयर, अगर बाल ना है तो नो कलर, नो डिजाइन। एक बड़ा हाथी, हाथी के बारे में जानकारी है, इसको बहुत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना है और हो सके तो लिखना भी है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेती है। ठीक, एक बड़ा हाथी दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेती हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना? 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्या? हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक, हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का हाथी 200 kg वजन हो जाता है। अगर 3 महीने का हाथी है तो उसका वजन लगभग 200 kg का हो जाएगा। ठीक, फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते खा लेता है। ठीक, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है।
हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। ठीक, 3 महीने का हाथी 200 kg वजन होता है। हाथी का झुंड, अगर हाथी के झुंड के बारे में जानकारी लें तो इसमें केवल हसनिया और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड में केवल हसनिया और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की नेता हसनिया होती है। 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 वर्ष तक, कितने, 14 से 15 वर्ष तक बच्चे झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर एक बार देखते हैं हाथी के बारे में। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक बड़ा हाथी झुंड में 100 kg ज्यादा पत्ते खा लेता है। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को इससे ठंडक मिलती है, इसलिए खेलता है क्योंकि शरीर को ठंडक मिल जाए। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक, 3 महीने का हाथी 200 kg का हो जाता है। ठीक, हाथी का झुंड, केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी कौन, सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनी और बच्चे इस झुंड में होते हैं। 14-15 वर्ष तक बच्चे इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।